हाय गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं जेनेरिक एडिटिंग व्यू की, जिसमें से हमने फॉर्म व्यू देख लिया। अभी हमारी बारी है देखने की क्रिएट व्यू। क्रिएट व्यू आपको मिल जाएगा जेंगो डॉट व्यूज डॉट जेनेरिक डॉट एडिट डॉट क्रिएट व्यू। अ व्यू दैट डिस्प्लेज अ फॉर्म फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो ये एक फॉर्म दिखाएगा आपको, जिसका यूज़ करके आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। साथ में रीडिस्प्ले इन द फॉर्म विथ वैलिडेशन एरर। साथ में अगर कोई वैलिडेशन एरर आता है तो उस केस में वह एरर भी आपको दिखाएगा और ऑब्जेक्ट को सेव भी करेगा। यानी कि ये बहुत सारे काम करेगा। एक तो फॉर्म दिखाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, एरर्स दिखाएगा और उस ऑब्जेक्ट को सेव भी करेगा। ऑब्जेक्ट से यहाँ मतलब आप कह सकते हैं कि फॉर्म में जो डेटा रहेगा उस डेटा को सेव करेंगे। तो वह सेव्ड डेटा, मान लीजिए कि टेबल में एक रॉ सेव हुआ, तो वह एक रॉ एक ऑब्जेक्ट के रूप में कहा जा सकता है। ये इनहेरिट करता है बहुत सारे क्लासेस को, जैसे कि सिंगल ऑब्जेक्ट टेम्पलेट रिस्पॉन्स मिक्सिन, टेम्पलेट रिस्पॉन्स मिक्सिन, बेस क्रिएट व्यू, मॉडल फॉर्म मिक्सिन, फॉर्म मिक्सिन, सिंगल ऑब्जेक्ट मिक्सिन, प्रोसेस फॉर्म व्यू और व्यू। तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी हुई हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं जो कि हमने पहले देखा हुआ है। उसमें क्या एट्रीब्यूट होता है, क्या मेथड होता है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। थियोरेटिकली ही सही, लेकिन पढ़ा हुआ है तो वो दोबारा से उसको रिपीट नहीं करेंगे, बस जो नहीं पढ़ा है उसको देख लेंगे, ठीक है। बाकी आप एक बार जाकर इन क्लासेस में जाइएगा, आपका पूरा यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। आपको जेंगो में जाना है, देन व्यूज में जाना है, देन जेनेरिक में जाना है, देन डिटेल में जाना है, और आपको ये वाला क्लास मिल जाएगा, सिंगल ऑब्जेक्ट टेम्पलेट रिस्पॉन्स मिक्सिंग। तो जाकर एक बार आप कोड जरूर देखिएगा कि उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट है, क्या क्या मेथड है। अगर आप उसको समझ पाते हैं उस कोड को कि क्या उसमें प्री डिफाइंड मेथड हमें मिलता है, तो बेहद अच्छी बात है। नहीं समझ पाते हैं तो भी कोई गलत बात उसमें नहीं होगी। तो जो नहीं पढ़ा है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। लेकिन क्रिएट व्यू में हमें क्या मिल जाता है, हमें एक एट्रीब्यूट मिलता है, टेम्पलेट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर सुफिक्स। द क्रिएट व्यू पेज डिस्प्लेड टू अ गेट रिक्वेस्ट यूजेस अ टेम्पलेट नेम सुफिक्स ऑफ फॉर्म। तो इसमें क्या होगा, जब आप क्रिएट व्यू यूज़ करेंगे तो ये एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट का डिमांड करेगा, जिसमें जिसका नाम, जो टेम्पलेट का फाइल का नाम रहेगा .html जो नाम रहेगा, वह उसमें सुफिक्स होगा अंडरस्कोर फॉर्म। तो ये आप चेंज कर सकते हैं, अगर इस एट्रीब्यूट में कुछ और लिखेंगे तो वो ओवरराइड हो जाएगा अंडरस्कोर फॉर्म से। ये भी हमने देखा है कई बार, फिर भी मैंने आपको बता दिया। देन ऑब्जेक्ट एक हमारे पास है एट्रीब्यूट, व्हेन यूजिंग क्रिएट व्यू यू हैव एक्सेस टू सेल्फ डॉट ऑब्जेक्ट विच इज़ द ऑब्जेक्ट बींग क्रिएटेड। तो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उस वह आपको एक्सेस के तौर पर मिल जाएगा, अगर आप सेल्फ डॉट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे तो। If the object has not been created yet, the value will be none. अब कुछ क्लासेस की बात कर लेते हैं, जैसे मॉडल फॉर्म मिक्सिंग। अ फॉर्म मिक्सिंग दैट वर्क्स ऑन मॉडल फॉर्म्स रेदर देन अ स्टैंड अलोन फॉर्म। तो ये हमारा मॉडल फॉर्म में जो भी काम होगा वह हमें करके देता है। सिंस दिस इज अ सब क्लास ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट मिक्सिंग, इंस्टेंस ऑफ दिस मिक्सिंग हैव एक्सेस टू द मॉडल एंड क्वेरी सेट एट्रीब्यूट डिस्क्राइबिंग द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट द मॉडल फॉर्म इज मैनिपुलेटिंग। If you specify both the fields and form class attribute, an improperly configured exception will be raised. तो यहाँ जब आप लिखेंगे अपना जब क्रिएट व्यू बनाएंगे उसमें अगर आप फील्ड्स भी लिख देते हैं, साथ में अपने फॉर्म अंडरस्कोर क्लास एट्रीब्यूट भी लिखा, बोथ स्पेसिफाई किया, तो एक एक्सेप्शन रेज होगा, इम्प्रॉपरली कन्फिगर्ड ये एक्सेप्शन रेज होगा आपका। तो ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या हमें एट्रीब्यूट मिलता है। इसमें मॉडल है हमारे पास एक एट्रीब्यूट, और मॉडल क्लास इसमें लिखा जाता है कैन बी एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड अदरवाइज विल बी डिटरमाइंड बाय एग्जामिनिंग सेल्फ डॉट ऑब्जेक्ट और क्वेरी सेट। फील्ड्स लिख सकते हैं, लिस्ट ऑफ नेम ऑफ फील्ड्स, नेम ऑफ फील्ड्स लिख सकते हैं आप। दिस इज इंटरप्रेटेड द सेम वे द एज द मेटा डॉट फील्ड्स एट्रीब्यूट ऑफ मॉडल फॉर्म्स। तो हमने पढ़ा हुआ है मेटा क्लास मॉडल फॉर्म में, तो मेटा डॉट फील्ड्स जैसे इंटरप्रेटेड होता है उसी तरीके से फील्ड्स भी यहाँ पर होता है। दिस इज़ अ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट इफ़ यू आर जनरेटिंग द फॉर्म क्लास ऑटोमेटिकली यूजिंग मॉडल। अगर आप मॉडल का यूज़ करके अपना फॉर्म जनरेट करते हैं, फॉर्म क्लास अगर आप ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहे हैं, तो उस केस में ये फील्ड लिखना जरूरी हो जाता है। नहीं लिखेंगे तो इम्प्रॉपरली कन्फिगर्ड एक्सेप्शन ये रेज होगा। देन सक्सेस यूआरएल हमारे पास है, द यूआरएल टू रिडायरेक्ट टू When the form is successfully processed, जब आपका form successfully processed हो जाए तो फिर कहाँ redirect होना चाहिए, वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। success underscore url may contain dictionary string formatting
which will be interpolated against the object's field attribute. For example, you could use success underscore url equal poll. और यहाँ मैंने एक डिक्शनरी स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखा हुआ टू रिडायरेक्ट अ URL कंपोज्ड आउट ऑफ दिस स्लग फील्ड ऑन अ मॉडल। देन कुछ मेथड्स हैं जैसे गेट फॉर्म क्लास, रिट्रीव द फॉर्म क्लास टू इंस्टेंशिएट। इफ फॉर्म क्लास इज प्रोवाइडेड दैट क्लास विल बी यूज्ड, अदरवाइज अ मॉडल फॉर्म विल बी इंस्टेंशिएटेड यूजिंग द मॉडल एसोसिएटेड विद द क्वेरी सेट और विद द मॉडल डिपेंडिंग ऑन विच एट्रीब्यूट इज प्रोवाइडेड। फिर हमारे पास है गेट फॉर्म की कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स KWRGS जिसे मैंने लिखा हुआ यहाँ पर, एड द करंट इंस्टेंस सेल्फ डॉट ऑब्जेक्ट टू द स्टैंडर्ड गेट फॉर्म KWRGS। फिर हमारे पास गेट अंडरस्कोर सक्सेस अंडरस्कोर URL है। अभी जो हमने देखा था सक्सेस अंडरस्कोर URL एक एट्रीब्यूट, बस उसी के सिमिलर ये काम करता है। अगर आपको कहीं रिडायरेक्ट करना हो तो आप यहाँ पर दे सकते हैं डिटरमाइन द URL टू रिडायरेक्ट टू व्हेन द फॉर्म इज सक्सेसफुली वैलिडेटेड। रिटर्न्स जेंगो डॉट व्यूज डॉट जेनरिक डॉट एडिट डॉट मॉडल फॉर्म मिक्सिन डॉट सक्सेस अंडरस्कोर URL इफ इट इज प्रोवाइडेड, अदरवाइज अटेम्प्ट टू यूज द गेट एब्सोल्यूट URL ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन हमारे पास एक फॉर्म अंडरस्कोर वैलिड है, इसमें आप सेल्फ कॉमा फॉर्म लिखते हैं जब क्लास के अंदर में इसको लिखा जाता है तब। ये सेव इट सेव्स द फॉर्म इंस्टेंस, सेट्स द करेंट ऑब्जेक्ट फॉर द व्यू एंड रिडायरेक्ट्स टू दी गेट सक्सेस URL। तो ये सेव करता है फॉर्म इंस्टेंस को, यानी कि फॉर्म ऑब्जेक्ट को ये सेव करता है और करंट ऑब्जेक्ट को सेट करता है फॉर दी व्यू और फिर रिडायरेक्ट भी कर देता है। यानी लास्ट मेथड हमारे पास है जो कि है फॉर्म इनवैलिड, इसमें सेल्फ कॉमा फॉर्म आप लिखते हैं, रेंडर्स अ रिस्पॉन्स प्रोवाइडिंग द इनवैलिड फॉर्म एज कॉन्टेक्स्ट। बस इतना ही है इसमें थ्योरी, बाकी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आप डॉक्यूमेंटेशन से भी पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने सिर्फ इसमें पढ़ा ही है, ज़्यादा कुछ तो किया नहीं है। एग्जांपल में आते हैं और यूज़ करना सीखते हैं कि किस तरीके से आप क्रिएट व्यू का यूज़ करते हैं, क्रिएट व्यू का यूज़ करके कैसे आप मॉडल से एक फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म में डेटा डाल के उसको डेटाबेस में कैसे सेव करेंगे। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं, स्टार्ट प्रोजेक्ट GS127 यानी कि 127, और हमने इसके अंदर हम इन लोगों की इसके अंदर जाना है, हम लोग एक एप्लीकेशन बनाएंगे पाइथन manage.py डॉट ऐप, और एप्लीकेशन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने अपने केस में स्कूल रख दिया। देन स्कूल में ये हमें आना है, सॉरी यहाँ नहीं, हमें आना है settings.py फाइल में, और यहाँ पर सिंपली हमें पहले स्कूल को यानी कि अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देना है, जो कि मैंने कर दिया। ओके जी, इतना हमने काम कर दिया। अभी कुछ चीज़ें आप यहीं शुरू से ही जान लीजिए कि क्रिएट व्यू क्यों यूज़ होता है। क्रिएट व्यू यूज़ होता है, मैंने जैसे कि आपको थ्योरी में बताया कि ये हमें एक फॉर्म बना के देगा ऑटोमेटिकली जनरेट करके, देन उस फॉर्म में जो डेटा रहेगा जो ऑब्जेक्ट हमारा कहलाएगा उसको आप सेव कर सकते हैं अपने डेटाबेस में। आसान शब्दों में बताऊँ तो इससे आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म में जो डेटा आप लिखेंगे वो डेटा आप डेटाबेस में सेव कर पाएंगे, वह काम करेगा आपका ये क्रिएट व्यू जेनेरिक क्लास। अब जानिए कि ये होता कैसे है। तो पहले एक मॉडल की आवश्यकता पड़ेगी, तो मॉडल बनाते हैं। क्लास लिखा मैंने स्टूडेंट और यहाँ लिखना है मॉडल्स डॉट मॉडल, ये हमारा मॉडल बनेगा, मॉडल क्लास, यानी कि ये हमारा टेबल बनेगा डेटाबेस में। इसे मैं लिखता हूँ नेम इक्वल मैंने लिख दिया मॉडल्स डॉट कैरफील्ड, सॉरी मॉडल ये कॉम कॉट्स के अंदर मैं क्यों लिख रहा हूँ भाई, मॉडल्स डॉट कैरफील्ड नाम के लिए, और मैंने यहाँ मैक्स लेंथ दे दिया इसको 70 का, आप जितनी मर्जी उतनी का दे सकते हैं। देन एक ईमेल फील्ड बनाते हैं, ईमेल इक्वल मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड, और एक पासवर्ड का मैं फील्ड बनाता हूँ, समझ लीजिए कि साइनअप का फॉर्म है। तो पासवर्ड फील्ड के लिए हम लोगों ने मॉडल्स डॉट कैरफील्ड यहाँ लिख दिया, और हम लोग यहाँ पर मैक्स लेंथ भी इसके लिए प्रोवाइड कर देते हैं 70। तो मॉडल हमारा क्रिएट हो गया, ये मॉडल हमें एडमिन एप्लीकेशन में दिखाई दे, इसके लिए हम लोग इसमें इसको admin.py फाइल में रजिस्टर कर लेते हैं। तो पहले मॉडल को हम लोग इम्पोर्ट करेंगे, तो फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट स्टूडेंट। ओके, देन हमें यहाँ पर रजिस्टर करना है, तो एडमिन डॉट रजिस्टर किसको करना है, स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट लिख दिया। देन हमारा यहाँ पर क्लास बनेगा एडमिन क्लास स्टूडेंट एडमिन, और ये करेगा एडमिन डॉट मॉडल एडमिन को इनहेरिट। देन यहाँ पर लिस्ट व्यू में हम लिस्ट डिस्प्ले में हम लोग डाल देंगे,
लिस्ट डिस्प्ले में डाल देंगे कि कौन कौन सा हमें हमारा दिखना चाहिए। हमें आईडी दिखना चाहिए जो कि ऑटो जनरेट होगा, देन नेम दिखना चाहिए, देन हमारा है ईमेल तो ईमेल भी दिखना चाहिए, देन हमारा फाइनली है पासवर्ड तो पासवर्ड भी हमें दिखना चाहिए। ओके सो ये सब हमने कर दिया। हमें अभी ज़रूरत है रन करने की मेक माइग्रेशन और माइग्रेट, ताकि ये हमारा जो मॉडल है वो टेबल के रूप में हमारे डेटाबेस में चला जाए और हम लोग कुछ डेटा वगैरह वहाँ डालना चाहें तो डाल सकते हैं। सो हम लोग लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई और मेक माइग्रेशंस। मेक माइग्रेशन करने से हमारा मॉडल तो जनरेट हो गया, इसके बाद इसको माइग्रेट करने का सकता है, तो मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, इससे हमारे सारे टेबल्स क्रिएट हो जाते हैं। इसके बाद हमें सुपर यूज़र क्रिएट कर लेना है ताकि हम लोग वेरीफाई कर पाएँ कि हमारा जो फॉर्म बनेगा उसमें जो डेटा हम लोग इंसर्ट करेंगे वो एक्चुअली में हमारे डेटाबेस में जाकर सेव हो रहा है या नहीं, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सुपर यूज़र क्रिएट करना है, तो क्रिएट सुपर यूज़र। सुपर यूज़र का यूज़र नेम मैंने एडमिन रखा, ईमेल नहीं देना है, पासवर्ड एडमिन, पासवर्ड अगेन एडमिन, वाई लिख के एंटर प्रेस। देन सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। अभी इसमें कुछ दिखेगा नहीं, हमें एडमिन में जाना है, तो एडमिन में गए हम लोग, यहाँ से लॉगिन करते हैं एडमिन और यहाँ एडमिन, तो लॉगिन करेंगे। स्टूडेंट्स हमारा टेबल हमें दिखाई दे रहा है, अभी यहाँ कोई भी डेटा हमारा इंसर्ट नहीं, जिसको सी ए ज़ीरो स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा है, बट जैसे इंसर्ट होगा हमें यहाँ पर डेटा दिखाई देने लगेगा। तो इंसर्ट हमें वहाँ से नहीं करना, बल्कि हमें अपना क्रिएट व्यू बनाकर क्रिएट करके उसके बाद बनाना है। तो ये तो मॉडल की बात थी कि मॉडल आप पहले आप टेबल बना लेते हैं फिर आप टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं, ये हम लोग बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं। अभी हमारी बारी है व्यूज डॉट पी वाई फाइल में आकर क्रिएट करने की। इस मॉडल से एक फॉर्म बना लेंगे जो फ्रंट एंड में दिखेगा यूज़र को, यूज़र उसमें डेटा डालेगा, इंसर्ट करेगा, जो कि बैक एंड में यानी कि डेटाबेस में आकर यहाँ पर सेव होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो कैसे करेंगे, एडमिन को मैं क्लोज कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, इसको रहने देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। क्रिएट व्यू का यूज़ करना है हमें, जेनेरिक क्लास का यूज़ करते हुए इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो पहले फॉर्म डॉट इम्पोर्ट कर लेते हैं क्रिएट व्यू को, तो जेंगो डॉट व्यूज डॉट आपको जाना है जेनेरिक डॉट एडिट, और यहाँ से इम्पोर्ट करना है आपको क्रिएट व्यू। ये क्लास इम्पोर्ट कर लिया, फिर धीरे धीरे देखेंगे किस किस क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, वैसे वैसे इम्पोर्ट करते जाएंगे। तो क्लास मैंने नाम रखा स्टूडेंट क्रिएट व्यू, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, ये इनहेरिट करेगा क्रिएट व्यू को। देन यहाँ पर आपको लिखना होता है मॉडल इसके लिए कि आप किसका यूज़ किसके लिए फॉर्म जनरेट करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ स्टूडेंट मॉडल जो हमारा है उसके लिए हमारा फॉर्म बने, ये जो मॉडल हमने बनाया है टेबल इसके लिए हमारा फॉर्म जनरेट हो। इस फॉर्म में क्या क्या फील्ड हो उसके लिए आप फील्ड्स जो एट्रीब्यूट है उसमें वैल्यूज़ देते हैं लिस्ट के तौर पर। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें हमारा नेम हो, और हमारा एक ईमेल था तो ईमेल हो, और एक हमारा पासवर्ड था तो पासवर्ड भी हो। तो इतने सारा डेटा यूज़र को दिखाई देगा। अभी इसके लिए हमें यूआरएल लिखना पड़ेगा, तो यूआरएल शॉट फाइल में आते हैं, पहले यहाँ इम्पोर्ट कर पहले यहाँ इम्पोर्ट कर लेंगे। एक और बात कि हम लोगों ने यहाँ स्टूडेंट लिखा बट यहाँ कहीं भी हमने स्टूडेंट इम्पोर्ट नहीं किया है, तो ये हमें एरर दे देगा। तो एरर दे उससे पहले मॉडल्स को इम्पोर्ट कर लेते हैं, इम्पोर्ट स्टूडेंट। अब आते हैं यूआरएल्स में, यूआरएल्स बनाने के लिए तो फ्रॉम स्कूल इम्पोर्ट व्यूज, व्यूज़ को इम्पोर्ट कर लिया। अभी हमें सिंपली यहाँ पर पाथ और हमारा जो यूआरएल होगा वह होगा स्टूडेंट, या फिर क्रिएट लिखता हूँ सिंपली क्रिएट स्लैश, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा व्यूज डॉट क्या नाम रखा हमने स्टूडेंट क्रिएट व्यू डॉट एज व्यू। इस तरीके से हम लोग करते हैं, हमें याद है, और हमें नेम भी दे देना अगर आप देना चाहते हैं तो। मैं नेम लेता हूँ स्ट्यू क्रिएट, ओके आप नाम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा बन गया। अभी यहाँ पर हमें एक एरर दे रहा है, ये एरर क्या रहा है कि नो मॉड्यूल दिस, तो कहाँ पर ये एरर है हमारा व्यूज़ में लाइन नंबर 3 में। तो फ्रॉम मैंने लिखा फ्रॉम मॉडल्स, एक्चुअली मॉडल्स है ये, मॉडल नहीं है, इसी वजह से ये काम नहीं कर रहा। अभी ये हमारा सही काम कर रहा था, हमारा यूआरएल हमने लिख दिया हुआ है। जब हम लोग क्रिएट में हिट करेंगे तो ये वाला क्लास हमारा चलेगा, यानी कि ये वाला व्यू चलेगा, और ये हमें सिंपली क्रिएट करके देगा एक फॉर्म, और सिर्फ फॉर्म ही क्रिएट नहीं करेगा बल्कि उसमें आप जो डेटा डालेंगे उस डेटा को आपको सेव करके भी देगा, यानी कि बहुत सारा काम बिहाइंड द सीन हमें करके देता है।
और इससे हम इस छोटे दो लाइन कोड लिखने की वजह से हमारा इतना सारा काम हो जाता है। पहले इसको एग्जामिन करके देखते हैं कि वाकई में ये हो रहा है। अभी हमने टेम्पलेट नहीं बनाया, ध्यान में रखिएगा, तो उसके लिए हमें कुछ एरर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आते हैं और हम लोग क्रिएट में स्लैश क्रिएट लिखेंगे। जैसे हमने क्रिएट में हम लोगों ने हिट किया अपने यूआरएल को, यानी कि हमने यूआरएल में जो यहाँ पर लिखा है क्रिएट, हमने ये हिट किया तो ये चला। जब ये चला तो ये हमें डिमांड कर रहा है कि आपके पास एक टेम्पलेट होना चाहिए ये वाला, जो कि डज नॉट एग्जिस्ट है। तो स्टूडेंट अंडरस्कोर फॉर्मूला डॉट एचटीएमएल नाम का एक हमारे पास टेम्पलेट होना चाहिए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े, आप इसको लिख भी सकते हैं। तो टेम्पलेट फोल्डर में बनाना एक अपने एप्लीकेशन में, यहाँ पर आइए, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, टेम्पलेट्स और एप्लीकेशन का नाम, देन यहाँ पर राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका हम लोग नाम रखेंगे स्टूडेंट अंडरस्कोर फॉर्म डॉट एचटीएमएल, जो कि डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ कहा जा रहा था कि ये वाला चाहिए फॉर्म को रेंडर करने के लिए फ्रंट एंड में, तो वह हमने इसको दे दिया। अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो भी ये हमारा चल नहीं रहा, हमें सर्वर स्टॉप करना है। एक्चुअली में सर्वर स्टॉप कर लेते हैं, फिर से इसको रन करते हैं और हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी हमारा एरर नहीं आ रहा, बट हमारा फॉर्म भी नहीं दिख रहा। तो फॉर्म कैसे दिखेगा, आपने फ्रंट एंड में कोई कोड लिखा नहीं है, ब्लैंक है ये, तो हमें यहाँ पर कोड लिखने की आवश्यकता है। कोड क्या लिखेंगे जिससे हमें फॉर्म दिखाई दे, हमें पता है बेहद ईजी सा कोड हमें लिखना पड़ता है फॉर्म तक जिससे कि हमें दिखाई दे। सिंपल सा आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर्म डॉट एज पी, बस इसी से आपका फॉर्म दिखने लगेगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करूँ तो मुझे यहाँ फॉर्म दिखाई देता है, बट मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्म एक्चुअल में काम करे, तो सिर्फ ये लिखने से काम नहीं बनेगा क्योंकि हमें फॉर्म टैग नहीं मिलता। तो फॉर्म टैग के साथ मैं लिखता हूँ इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से, फॉर्म डॉट एज पी। देन हमें सी एस आर एफ भी देना है क्योंकि हम लोग पोस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो सी एस आर एफ वरना हमें मिल जाएगा क्या भयंकर एरर। अभी इनपुट एक बटन भी हमें चाहिए, फॉर्म सबमिट होना चाहिए, तो सबमिट के लिए एक बटन हमने बना दिया, हमने लिख दिया सबमिट, तो हमने इसको सेव कर दिया। तो इस मॉडल से हमारा एक फॉर्म बनेगा क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडल इक्वल स्टूडेंट, और हमने इसका फील्ड्स भी कौन कौन सा दिखाई देगा वह भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, और हमने साथ में इसको रेंडर करने के लिए यहाँ कोड भी लिख दिया, बाकी यूआरएल तो हमने लिखा हुआ है ही। तो बस इतना काम कीजिए, इसको सेव कीजिए पूरे को, सेव करने के बाद इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो ये हमारा फॉर्म बनकर तैयार है। अभी देखिए हमारे पास कोई डेटा यहाँ पर नहीं है स्टूडेंट टेबल में, तो ये सिर्फ ये जो फॉर्म बना हमारे, यानी कि ये क्रिएट व्यू है, ये सिर्फ फॉर्म नहीं बनाता, फॉर्म तो बनाए गए, साथ में जो फॉर्म में आप डेटा लिखेंगे यहाँ पर, जो डेटा आप भरेंगे, इस डेटा को डेटाबेस में यहाँ पर सेव भी कर देगा। इतना सारा काम ये हमें करके देगा, इसलिए इसको भरते हैं और देखते हैं कि क्या एरर हमें देखने को मिलता है और वह कैसे फिक्स करना है, या फिर हमारा डेटाबेस में डेटा सेव हो जाता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, इसको भी देखेंगे। सो नाम में लिखता हूँ सोनम और ईमेल sonam@gmail.com, देन सोनम की पासवर्ड सोनम पास, और मैंने सबमिट में क्लिक किया। आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक एरर मिलता है, जो एरर कहता है कि इम्प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड एट क्रिएट, नो यूआरएल टू रिडायरेक्ट टू, इधर प्रोवाइड अ यूआरएल और डिफाइन अ गेट एब्सोल्यूट यूआरएल मेथड ऑन द मॉडल। तो हमारे पास दो ऑप्शन दिए गए, हमें ये कह रहा है कि जब फॉर्म हमारा सबमिट हो जाए तो सबमिट होने के बाद क्या करें, वो आपने बताया नहीं इसको, इसी वजह से हमें ये बता रहा है कि इम्प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड। तो ये कह रहा है कि आप तो या तो मुझे कोई URL दीजिए जहाँ पर कि मैं रिडायरेक्ट हो जाऊँ फॉर्म को सबमिट करने के बाद, या फिर आप URL इस तरीके से नहीं देना चाहते, मतलब URL नहीं देना चाहते, तो आप गेट एब्सोल्यूट URL मेथड का यूज़ कीजिए और वहाँ से मुझे कहीं और रिडायरेक्ट कर दीजिए, और ये गेट एब्सोल्यूट URL आपको लिखना है कहाँ, मॉडल में। यहाँ पर जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे यहाँ पर डेटा दिखाई देता है, इसका मतलब क्या होता है कि वह एरर जो हमें मिला वह मिला है रिडायरेक्शन पर, यानी कि हमारा डेटा सेव हो गया, उसके बाद जब वो रिडायरेक्ट हो रहा है तो कहाँ पर जाए उसको पता नहीं डेटा सेव होने के बाद, तो इसी वजह से हमें वो एरर मिला, लेकिन हमारा डेटा हमारा सेव सक्सेसफुल्ली हो गया है, तो हमें बताना पड़ेगा कि वह कहाँ पर जाए सेव करने के बाद। तो उसके लिए आइए यहाँ पर मेरे पास बहुत से तरीके हैं, मैं आपको बताऊँगा यहाँ से कि मॉडल में जाकर गेट एब्सोल्यूट URL लिख कर किस तरीके से करते हैं, बट उससे पहले कुछ ईजी तरीका है जिसको आप देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में रहे ये सारी बातें, तो आप इजी तरीके से भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पर एक एट्रीब्यूट मिलता है, अगर आपको याद होगा तो success_URL, यानी कि सक्सेस होने के बाद ये कहाँ जाए। तो मैं चाहता हूँ
कि सक्सेस होने के बाद ये क्रिएट में चला जाए, यानी कि क्रिएट जो यूआरएल है वहाँ पर चला जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि आप जब सेव कर देते हैं डेटा को, उसके बाद आप इस यूआरएल में चले जाइए, इस यूआरएल में मतलब क्रिएट वाले में, जो कि फिर से मुझे वापस से वो फॉर्म ही दिखाएगा। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद वापस से अभी इसको रिफ्रेश करते हैं और अभी नया डेटा डालते हैं। नया डेटा मैं डाल रहा हूँ राहुल, और यहाँ पर rahul@gmail.com और राहुल पास, और मैंने सबमिट में क्लिक किया। जैसे सबमिट में क्लिक किया आप देख सकते हैं कि हमें फिर से वहीं पर ये डायरेक्ट कर रहा है, लेकिन डेटा हमारा सेव हो गया है। इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको राहुल का डेटा देखने को मिल जाएगा। उसी तरीके से आप चाहें तो कोई एक अलग टैम्पलेट बनाकर थैंक्स फॉर सबमिटिंग फॉर्म, या फिर योर फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, इस तरीके से कोई भी टेम्पलेट बनाकर आप उसका जो यूआरएल बनेगा वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्पलेट व्यू को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ टेम्पलेट व्यू को पहले इम्पोर्ट कर लेता हूँ, फ्रॉम django.views.generic.templateview। कहाँ रहता है, बेस में, तो बेस इम्पोर्ट करना है टेम्पलेट व्यू, यानी टेम्पलेट व्यू हमें बनाना है, टेम्पलेट व्यू क्लास बनाना है। क्लास थैंक यू का बनाते हैं, थैंक्स टेम्पलेट व्यू, और ये इन्हें इनहेरिट करेगा टेम्पलेट व्यू को। और यहाँ पर सिंपली हम लोग टेम्पलेट का नाम लिख देंगे कि ये किस टेम्पलेट को रेंडर करे। तो ये रेंडर करेगा स्कूल के अंदर, हमने बनाया नहीं है, बनाएंगे हम लोग थैंक्स डॉट डॉट एच टी एम एल, इस वाले को ये करेगा। हमने स्कूल अंडरस्कोर थैंक्स डॉट एच टी एम एल हमने यहाँ बनाया नहीं है, स्कूल में आते हैं, राइट क्लिक न्यू फाइल थैंक्स डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पर सिंपली हमें इस तरीके से करना है। और यहाँ पर एक मैसेज देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, बट मैं सिंपली एक मैसेज देता हूँ कि योर फॉर्म हैज़ सबमिटेड। तो आप कोई मैसेज दे सकते हैं, योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, या फिर कुछ भी। तो इसको रेंडर कैसे करवाएंगे, पहले टेम्पलेट को रेंडर करने का यहाँ पर यूआरएल लिख देते हैं हम लोग, कॉमा देकर इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर थैंक्स लिखना है, सिंपली थैंक्स, और ये हमारा हो जाएगा थैंक्स टेम्पलेट व्यू। तो ये हटाकर पूरे को पूरा हटा देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ थैंक्स टेम्पलेट व्यू डॉट एज, और यहाँ पर इसका चेंज कर देंगे नाम, इसको कर देते हैं थैंक यू, और इसको मैंने सेव कर दिया। अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये कि जब हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाए तो मेरा ये टेम्पलेट रेंडर हो। इसके लिए मुझे बस यहाँ पर आकर चेंज कर देना है थैंक्स, ये मैंने क्या लिख दिया थैंक्स इस तरीके से, यानी कि जो यहाँ पर लिखा थैंक्स वही मैंने यहाँ पर लिखा। और आपको एक स्टार्टिंग में भी स्लैश देना है और एक एंडिंग में भी स्लैश देना है, ध्यान रखिएगा वरना हो जाएगा गड़बड़। दोनों में, एंडिंग और स्टार्टिंग दोनों में आपको स्लैश देना है इसमें। अभी मैंने सेव किया, सेव करने के बाद अभी हम लोग इसमें फिर से एक डेटा इंटर करते हैं, कोई एरर तो नहीं है, एक बार देख लें टर्मिनल में, कोई एरर नहीं है। यहाँ पर आना, एक डेटा नया इंसर्ट करते हैं, raj@gmail.com और राज पास, और सबमिट में क्लिक किया तो यह हमें रिडायरेक्ट कर देगा सबमिशन के बाद, योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। और यहाँ पर आकर आप देखेंगे तो आपका एक नया डेटा सेव हो गया होगा। तो ये एक बेहतर तरीका, अभी यहाँ लिखने के बजाय आप अगर गेट एब्सोल्यूट यूआरएल लिखना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। मैंने इसको कमेंट कर दिया, आपको मॉडल स्टार्ट पे फाइल में आना है और यहाँ पर आकर आपको गेट एब्सोल्यूट यूआरएल ये लिखना है, और ये ऑटोमेटिक पूरा आ गया है। लेकिन मुझे, मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ वरना आपका दिमाग, आपके में कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो गेट एब्सोल्यूट यूआरएल, और यहाँ पर सिंपली आपको करना है रिटर्न रिवर्स, रिवर्स कहाँ पर, थैंक यू में, थैंक यू यहाँ कौन सा लिखा मैंने, थैंक यू मैंने यहाँ पर, ये जो नाम होता है यहाँ पर, जो नेम इक्वल आप लिखते हैं वह आप लिखते हैं, तो आपका ये यूआरएल में जाकर ये टेम्पलेट अंडर होकर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अभी हम लोग वापस चलते हैं और यहाँ से क्रिएट यूआरएल में पहले हिट करेंगे क्रिएट, जिससे हमें फॉर्म दिखाई देगा। हम लोग जब एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ इंसर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने इंसर्ट किया प्रिया, और मैं इसका ईमेल आईडी लिखता हूँ priya@gmail.com और प्रिया पास,
और मैंने इसमें सबमिट में क्लिक किया तो ये कह रहा है रिवर्स इज़ नॉट डिफाइंड। हमारा डेटा तो सेव हो गया होगा, प्रिया सेव हो गया, लेकिन यहाँ बोला रिवर्स इज़ नॉट डिफाइंड। तो हमने एक छोटी सी गलती की कि हमने इसको इम्पोर्ट नहीं किया, रिवर्स हमने यहाँ यूज़ किया बट इसको हमने यहाँ इम्पोर्ट नहीं किया। तो फ्रॉम जेंगो डॉट यू आर एल्स से इम्पोर्ट कर लेना है रिवर्स को, उसके बाद ही आप इसको यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। ओके जी, अभी वापस से सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको वापस से रिफ्रेश करके एक नया डेटा यहाँ इंसर्ट करते हैं। नया डेटा में लिखेंगे रुचि, फिर हम लोग इसका ईमेल आईडी लिखेंगे ruchi@gmail.com, देन यहाँ पर रुचि पास, और मैंने सबमिट में क्लिक किया तो ये मुझे रिडायरेक्ट कर देगा और हमारा डेटा भी यहाँ पर सेव हो जाएगा। और ये डायरेक्ट हो रहा है किससे, इस गेट एब्सोल्यूट यूआरएल से। एक और छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा कि ये जो एब्सोल्यूट यूआरएल है इसे आप पूरा डिटेल कैसे देख सकते हैं। अगर आप जो फॉर्म यहाँ सबमिट कर रहे हैं, डेटा जो आपने सबमिट किया वह उसका डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं साथ में ही, तो कैसे आप उसको देख पाएंगे वह मैं आपको करके दिखाता हूँ छोटा सा और एक एग्जांपल। उसके लिए आपको एक डिटेल व्यू बनाना पड़ेगा सबसे पहले, तो हम लोग व्यू में आएंगे और डिटेल व्यू को इंपोर्ट करेंगे। डिटेल व्यू हमें कहाँ मिलेगा, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, मुझे मिल जाएगा डिटेल व्यू जेनेरिक के बाद मुझे जेंगो डॉट व्यूज डॉट जेनेरिक डॉट डिटेल लिखना है और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा डिटेल व्यू, डिटेल व्यू। ओके, अभी हमें डिटेल व्यू एक बनाना है, सिंपल सा डिटेल व्यू बनाएंगे, ज़्यादा उसमें हार्ड मतलब डिफ़िकल्ट कोड नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा स्टूडेंट डिटेल व्यू नाम रख दिया मैंने, ये होगा इनहेरिट करेगा डिटेल व्यू को, डिटेल व्यू इसको, और यहाँ पर सिर्फ मॉडल का हमें नाम लिख देना है कि किसका। तो मॉडल इक्वल स्टूडेंट, ओके बस इतना ही लिखना है। ये हमारा व्यू क्रिएट हो गया, ये हमारा रन हो उसके लिए हमें यूआरएल भी लिखना पड़ेगा, तो यूआरएल लिख देते हैं। आप लोगों को पता होगा कि डिटेल जो होता है वह किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का पूरा डिटेल दिखाता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर प्राइमरी की भी देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एसटीयू डिटेल, या फिर ठीक है एसटीयू डिटेल लिख देते हैं, एसटीयू डिटेल, और यहाँ पर हम लोग इसका इंट पीके और ये बंद। ओके, देन ये हमारा ये ना होकर यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट डिटेल व्यू, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर रखता हूँ स्टूडेंट डिटेल। मैंने इसको सेव कर दिया, या फिर सिर्फ डिटेल रखिए, ये भी सही है अभी के लिए। तो ये हमने इसको रख दिया। अभी इतने से हमारा काम नहीं होगा, जब आप डिटेल व्यू बनाते हैं तो ये एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट का डिमांड करता है, इसका नाम होता है जो भी मॉडल का नाम है वह अंडरस्कोर डिटेल, तो ये हमें उसकी डिमांड करेगी। या फिर हम लोग यहाँ पर टेम्पलेट नेम लिखकर अपना खुद का कस्टम टेम्पलेट दे सकते हैं, बट खुद का नहीं देना है मुझे, मैं डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग पहले बनाते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल डॉट एच टी एम एल, और सिर्फ ये इस तरीके से लिखने से नहीं होगा बल्कि यहाँ पर हमें कोड भी लिखना पड़ेगा। तो सिंपल सा ये, और सिर्फ हमें डेटा डिस्प्ले करवाना है, एक यूज़र का रहेगा, तो स्टूडेंट डॉट नेम देन ईमेल और पासवर्ड, ईमेल और यहाँ पर हमें कह देना है पासवर्ड। मैं इस पूरे को एक A1 के अंदर में H1 के अंदर में मैंने इसको लिख दिया, होपफुली ये इफेक्ट करेगा इसमें। इतना लिखने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि अभी तो हमारा ये काम कर जाएगा अगर मैं इसको इस तरीके से इस URL से हिट करूँ कि स्टूडेंट डिटेल /1, इस तरीके से लिखूँ तो मुझे 1 का डिटेल दिखेगा। मैं वो करके दिखाता हूँ, देखिए मैं यहाँ लिखूँ, अगर हमारे पास डेटा क्या क्या है पीके में, देखिए 1 का है, 2, 3, 4, 5 तक का। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस तरीके से कि STU detail/1, तो मुझे 1 का डेटा दिखाई देगा। फिर अगर मैं 2 करूँ तो 2 का डेटा दिखाई देगा, 3 करूँ तो 3 का डेटा दिखाई देगा। इस तरीके से 5 का डेटा मुझे दिखाई दे सकता है, बट मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब हम लोग क्रिएट इस तरीके से फॉर्म सबमिट करें और सबमिट में क्लिक हो तो उसका डेटा मुझे इमीजिएटली दिखाई देना चाहिए। ये करने के लिए हमें गेट एब्सोल्यूट URL में थोड़ा सा कोड लिखने की आवश्यकता है। अभी हमारा डायरेक्ट क्या हो रहा है, सबमिट होने पर थैंक्स पेज में चला जा रहा है, तो यहाँ ना भेजकर हम लोग इसको यहाँ पर भेजेंगे इस जगह पर, तो हमें डेटा वो डेटा के साथ हमें देखने को मिलेगा।
तो कैसे करेंगे, अगर आपको थैंक्स सिंपली किसी पेज में करना हो तो आप इस वाले का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली यहाँ पर सक्सेस यूआरएल इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अदरवाइज़ आप जो मैं अभी कर रहा हूँ, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं, मतलब डिटेल देखना चाहते हैं कि क्या इंसर्ट हो रहा है, तो उसके लिए आप कुछ इस तरीके से इसको ओवरराइड करेंगे, गेट एब्सोल्यूट यूआरएल, और यहाँ पर आपको मोर डिटेल की जगह पर लिखना है जो आप यहाँ पर नाम लिखते हैं, जैसे हमने डिटेल लिखा हुआ है तो ये वाला डिटेल उठाकर और यहाँ पर आपको डिटेल लिखना है। ओके, देन ये के डब्ल्यू आर जी एस रहेगा, पी के का पी के रहेगा, सेल्फ डॉट पी के, ये सेम एज इट इज़ जैसे है वैसे ही रहेगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद रिवर्स हमने ऊपर में इंपोर्ट करके पहले से रखा हुआ, तो वापस से वो एरर हमें नहीं मिलेगा। अभी हमने रिफ्रेश किया इसको और डेटा इंसर्ट करते हैं। डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ मैं एक नया रानी, और रानी 8gmail.com और रानी पास। जैसे मैं सबमिट में क्लिक करूँगा मेरा गेट यूआरएल चलेगा, यानी कि गेट एब्सोल्यूट यूआरएल, और मुझे रानी का डेटा डिटेल देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए यूआरएल हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल थे इसमें जो कि आपको मे बी अभी यूज़फुल ना लगे, बट जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट बनाइएगा वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये शायद मेरे लिए यूज़फुल हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, जैसे कि आप नहीं चाहते हैं कि जब आप क्रिएट कहाँ गया हमारा क्रिएट व्यू यूज़ कर रहे हो तो आप डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट यूज़ नहीं करना चाहते, जो कि मॉडल का नाम अंडरस्कोर फॉर्म डॉट एच टी एम एल, तो आप यहाँ पर टेम्पलेट नेम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इनके साथ करना चाहते हैं जैसे स्कूल और स्लैश हमने दिया एस फॉर्म डॉट एच टी एम एल, ये हमने लिख दिया, और मैं इसको सेव करूँ और मैं इसको रिफ्रेश करूँ यहाँ क्रिएट लिख कर, तो ये हमारा काम नहीं करेगा, बल्कि हमने जो कस्टम फॉर्म कार के लिए टेम्पलेट इसको मेंशन किया हुआ इसको चाहिए होगा, तो इस नाम से आपको यहाँ पर बनाना पड़ जाएगा। राइट क्लिक करना है, न्यू फाइल एस फॉर्म डॉट एच टी एम एल, और फिर उसी वापस इस वाले से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि फॉर्म तो हमारा सेम रहेगा। ये सेव कर दिया, अब यह हमारा काम करने लगेगा। रिफ्रेश किया, हमें फॉर्म दिखाई था, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, जैसे थी वैसे ही काम करेगी, बस हमने अपना यहाँ कस्टम टेम्पलेट लगा दिया। तो आप डिफ़ॉल्ट के साथ नहीं जाना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट नेम के साथ अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो उस केस में आप अपना कस्टम टेम्पलेट भी डिफ़ाइन कर सकते हैं यहाँ कुछ इस एट्रीब्यूट का यूज़ करके इस तरीके से। बाकी जो भी चीज़ें हमने थियोरेटिकली पढ़ी हैं कि ये जो है क्रिएट व्यू बहुत सारी क्लासेस को इनहेरिट करता है, तो उनमें जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो मेथड्स हैं, कुछ हमने कैसे यूज़ करते हैं वो देखा ऑलरेडी, तो सारे आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ओके, अभी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। एक्स्ट्रा चीज़ से मेरा मतलब ये है कि अगर हम लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं तो हम लोग कहीं भी फॉर्म का क्लास अगर हमें लगाना, मान लीजिए बूटस्ट्रैप वाला फॉर्म मुझे यूज़ करना है यहाँ पर, या फिर मुझे अपना कोई CSS अप्लाई करना है जिसके लिए मुझे इसमें फील्ड में क्लासेस चाहिए होगी, तो मैं कैसे क्लासेस डालूँगा यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्म API पढ़ा है और मॉडल फॉर्म भी पढ़ा है, उसमें हमें पता है कि इस तरीके से होता है, किस किस तरीके से होता है, बट यहाँ पर तो हमारा मॉडल है, मॉडल फॉर्म भी हम लोग बना नहीं रहे हैं, सिंपली मॉडल है और मॉडल से ही हमारा फॉर्म जनरेट हो जा रहा है और हमारा डेटाबेस सेव हो जा रहा है, तो यहाँ कहीं मॉडल फॉर्म वगैरह है नहीं, तो कैसे होगा काम, कैसे क्लासेस ऐड होंगी, कैसे कुछ रूल्स डिफाइन करने हो वैलिडेशन के, तो वो सारा काम किस तरीके से करेंगे उसका मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। कुछ है नहीं उसमें, सिर्फ मुझे आपको बता देना है कि इस तरीके से भी हो सकता है, बाकी आप खुद ब खुद कर लेंगे क्योंकि हमने वो सब कुछ पढ़ा हुआ है। इसको मैंने CD करके इससे पहले बाहर आना है, इसको क्लियर करते हैं। एक नया प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ, उसी प्रोजेक्ट में कितना हम लोग गंदा करेंगे, अलग अलग चीज़ें थे, इसलिए मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया 128। सिंपली इस पूरे को कॉपी कर लूँगा, कॉपी किया मैंने पूरे को और इसमें कर दिया पेस्ट। पहले सेटिंग्स में आकर इसको लिख देता हूँ स्कूल, और फिर URLs से कॉपी करके इसके URLs में URLs को लिख देता हूँ। ये मैंने कॉपी किया इतना, उसके बाद इसके URLs में आना है यहाँ पर, और यहाँ पर सिंपली प्रिंट करता रहना है, यानी कि हमारा जो 127 था उसी प्रोजेक्ट को बस मैंने हूबहू कॉपी पेस्ट कर दिया 128 में। अभी
अभी हम लोग देखेंगे कि हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास हमें क्या क्या आवश्यकता है, उसके अनुसार इसको एडिट कर लेंगे। ज़रूरत पड़ी तो कुछ और कोड इसमें लिखेंगे। इसके अंदर चलते हैं पहले जी सी डी जी एस 128 है, आई थिंक 128 ये। इसके अंदर चलते हैं और सर्वर रन कर लेते हैं। मैं सर्वर रन करके एक बार आपको इसको दिखा देता हूँ कि ये हमारा अभी हमारा 127 के जैसा ही है। तो मैंने इसको इसको क्लोज कर देता हूँ। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमारा ये फॉर्म दिखाई दे रहा है। ओके, ये कुछ चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा हल्का करते हैं इस प्रोजेक्ट को ताकि हमारा फोकस जो मेन चीज़ है उसमें रहे। डिटेल व्यू नहीं दिखाता हूँ मैं यहाँ से, हमारा ये गायब कर देता हूँ। टेम्पलेट थैंक्स वाला रहने देते हैं क्योंकि कहीं तो रिडेक्ट करना पड़ेगा। मैं कस्टम टेम्पलेट फॉर्म हटा दे रहा हूँ और इस सक्सेस यूआरएल को हाईलाइट कर देता हूँ। इतना करना है, डिटेल व्यू का कोई काम नहीं है, तो इसको इम्पोर्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसको हटा दिया मैंने। टेम्पलेट रहेगा, क्रिएट रहेगा, स्टूडेंट रहेगा, रेंडर रहेगा। इस व्यू में से हमारा काम एडिटिंग का बस इतना ही है। उसके बाद हमें मॉडल्स में आना है। मॉडल्स में ये हमें गेट एब्सोल्यूट यूआरएल ये कुछ नहीं लिखना, मैंने इन सभी को हटा दिया। ओके, रिवर्स पिक का भी कोई काम नहीं है तो इसको भी हटा देता हूँ। ये मैंने सेव कर दिया। तो मॉडल्स का काम ख़त्म। एडमिन में आना है। एडमिन में ये सब कुछ बना हुआ रहेगा तो इसमें कुछ भी नहीं करना। तो व्यू में देख लिया, मॉडल्स में देख लिया, एडमिन में देख लिया, और हमें देखना है यूआरएल में। तो यूआरएल से हमें डिटेल वाले इस वाले को हटा देना है। चलिए ये मैंने हटा दिया, बाकी सब कुछ रहेगा सही है। अभी हमारा ये तैयार है हमारे इस एग्जाम्पल के लिए। तो हमारा क्या मोटिव है, हमने हम इस एग्जाम्पल को क्यों देख रहे हैं? हमारा इस एग्जाम्पल को देखने का मकसद बस इतना सा है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो फॉर्म है इसमें कोई क्लास अगर मुझे ऐड करना हो तो मैं कैसे ऐड करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसका पेज सोर्स आप देखें, मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए इनपुट में टेक्स्ट है, टाइप है, नेम है, मैक्स लेंथ है, रिक्वायर्ड है, आईडी है, लेकिन यहाँ कहीं क्लास नहीं है। क्लास इक्वल कुछ अपना क्लास नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग इसमें सी एस एस अप्लाई नहीं कर सकते। अगर करना चाहें तो कर सकते हैं आईडी का यूज़ करके, बट मैं चाहता हूँ कि क्लास हो, क्लास के थ्रू करूँ। तो कैसे करेंगे, क्यों क्लास? क्योंकि क्लास अगर हम लोग इसमें लगाना सीखेंगे तो हम लोग कल को बूटस्ट्रैप ये क्लासेस भी यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए हमारे पास दो तरीके हैं इसमें, इस फॉर्म में क्लास को लगाने के दो तरीके हैं। कौन सा तरीका बेहतर होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले एक तरीका सीखते हैं जो कि हमें मिल जाता है इसमें से, क्रिएट व्यू में से। तो सिंपल सा तरीका ये है कि आप क्या कीजिए, एक यहाँ हमारा मेथड है गेट फॉर्म। अब वो गेट फॉर्म मेथड को ओवरराइड करना है। इसमें आपको लिखना है सेल्फ, और यहाँ पर आपको पहले फॉर्म इक्वल सुपर डॉट गेट फॉर्म ये आपको कर देना है ताकि अपने सुपर वाले को हैंडल कर ले। देन आपको फॉर्म डॉट फील्ड्स, और किस फील्ड में आपको लगाना है। जैसे हमारे पास फील्ड क्या है, नेम फील्ड है, ईमेल फील्ड है, और पासवर्ड फील्ड है। तो मुझे मान लीजिए कि नेम में लगाना है, तो मैंने यहाँ नेम पहले इसको पकड़ा। इसे पकड़ने के बाद क्या करना है, विजिट। विजिट से लगता है हम लोग, क्योंकि इतना तो कम से कम पता होना चाहिए। तो विजिट लिखा, फॉर्म्स डॉट टेक्स्ट क्या है, हम नेम क्या है हमारा, टेक्स्ट टाइप का, टेक्स्ट टाइप का यानी कि टेक्स्ट इनपुट ये रेंडर होता है। ये हमने विजिट वगैरह में पढ़ा हुआ है कि कौन सा फील्ड हमारा किस टाइप में रेंडर होता है, ये सब हमने पढ़ा है। पासवर्ड हमारा पासवर्ड होता है, हिडन हमारा हिडन इनपुट होता है, पासवर्ड इनपुट होता है, ये हमने सब कुछ देखा हुआ है। तो इस तरीके लिखना है, और यहाँ पर आपको ATTRS एट्रीब्यूट्स को लिखने का, और ये डिक्शनरी के फॉर्म में अपना लेता है। तो मैंने क्लास दे दिया इसको माई क्लास, माई क्लास। ये हमने फॉर्म्स यहाँ यूज़ किया है, बट फॉर्म हमने कहीं ऊपर में इम्पोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से हमें एरर मिल जाएगा। तो इसको हम लोग इम्पोर्ट कर लेंगे, ये फॉर्म जेंगो इम्पोर्ट इम्पोर्ट फॉर्म्स। ओके, तो हमने सिंपली क्या किया, एक मेथड था हमारा गेट फॉर्म मेथड, जिसको हमने ओवरराइड किया। पहले हमने सुपर को कॉल कर लिया, फिर हमने चूज़ किया कि कौन से फील्ड का विजिट हमें चेंज करना है। हमें चेंज करना था नेम का, तो हमने नेम का पकड़ा और उसमें से हमने चेंज कर दिया। चेंज क्या मतलब, उसमें कोई क्लास लगा दिया कि क्लास, उसमें क्या क्लास का वैल्यू होगा, माई क्लास। तो बस इतना देखिए, अभी सेव किया। सेव करने के बाद ओके, हमें इसको रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न फॉर्म। सेव किया, अभी सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए, और देखिए हमारा यहाँ राइट क्लिक करके व्यू सोर्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक क्लास मिलेगा, माई क्लास लिखा हुआ। उसी तरीके से आप ईमेल के लिए भी कर सकते हैं, पासवर्ड के लिए भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक और मैंने यहाँ पर
इसको बनाया, देन यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा ईमेल। तो मुझे ईमेल में कुछ खास वैसे करना नहीं है, बट फिर भी मैं ये हमारा टेक्स्ट इनपुट, मैं आपको पासवर्ड का करके दिखाता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। पासवर्ड ये हमारा हो जाएगा पासवर्ड इनपुट, टेक्स्ट इनपुट की जगह पासवर्ड इनपुट, और ADTRS में आप यहाँ पर माय पास क्लास दे दीजिए। अभी अगर हम लोग इसको देखें, अभी हमारा जो पासवर्ड फील्ड है यहाँ पर, इसमें लिखने से हमारा ये लेटर इस तरीके से दिखाई देने लगता है, बट अब ये नहीं दिखाई देगा क्योंकि हमने इसका चेंज कर दिया इनपुट पासवर्ड इनपुट के तौर पर। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी देखिए नाम तो दिखेगा, ईमेल भी दिखेगा, लेकिन पासवर्ड अब आपको दिखेगा नहीं। तो ये सारे काम आप यहाँ पर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये एक ईजी तरीका है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसका अगर हम लोग व्यू सोर्स करेंगे तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, नेम का तो हमने देखा हुआ था, माई क्लास क्लास आ गया था हमारा, टाइप इसका टेक्स्ट था अभी पहले, मतलब हमेशा से टेक्स्ट ही रहता है इसका। पासवर्ड में देखिए, पासवर्ड में आप इसका टाइप पासवर्ड हो गया है, प्लस यहाँ पर आपको एक क्लास माई पास देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से आप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और कुछ फीचर्स इसमें ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। बाकी इसमें जो भी एट्रीब्यूट देना हो आपको कमा दीजिए, और आपको जो भी देना हो, मान लीजिए प्लेस होल्डर देना हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है फॉर्म वाले टॉपिक में, कि क्या क्या हो सकता है वो सारी चीज़ें। तो बस वो सारे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक डेटा सेव करके दिखा देता हूँ, वरना आपको लगेगा कि ऐसा करने के बाद हमारा डेटा सेव हो ना हो, तो अभी देख लेते हैं। उसके लिए पहले एडमिन में चलते हैं, एडमिन लॉगिन किया, यहाँ पर देखिए हमारा डेटा क्या क्या है। एक जूम आउट करता हूँ, रानी तक हमारा लास्ट डेटा है। यहाँ पर एक नया डेटा डालते हैं, नया डेटा हम लोग डालते हैं सुमित, और सुमित की मेल sumit@gmail.com और सुमित पास, और सबमिट में क्लिक किया। ओके, ये CSRF का हमें बता रहा है फॉल्स, आई बिलीव ये फॉल्स ही होगा, हमने CSRF तो पहले दिया हुआ था। फॉर्म यहाँ है forms.form student_form, देखिए CSRF हमारा लगा हुआ है, फिर भी ये हमें एरर दे रहा है। कोई नहीं, ये हमारा ठीक हो जाएगा। ये जो हमारा एक फॉर्म था, इसको मैंने डिलीट नहीं किया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, भूल गया था मैं। और डिटेल वाला भी, ये भी काम का नहीं है, तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। बाकी ये दो सर हमारे काम के। अभी मैंने सेव किया, सेव करने के बाद सर्वर के एक बार स्टॉप कर लीजिए और फिर से वापस से रन कीजिए, ठीक है। सुमित को मैंने किया था, देखिए सुमित हमारा ऐड तो नहीं हुआ होगा, सुमित ऐड नहीं हुआ है। अब हम लोग वापस से इसको रिफ्रेश करते हैं और सुमित को ऐड करते हैं, sumit@gmail.com और सुमित पास। सबमिट में क्लिक किया, हमारा फॉर्म है सबमिटेड, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा सुमित का डेटा। तो ये हमारा सही तरीके से काम कर रहा है, और हमारा जो क्लासेस वगैरह हमारे हैं वो सब हमने चेंज कर लिए हैं, ऐड कर लिया है नया। तो ये एक तरीका है, अगर आप यहाँ पर क्लासेस इस फॉर्म में लगाना चाहते हैं। अगर आपका बूटस्ट्रैप का क्लास होगा तो आपको बस यहाँ आकर उसको लिखना है, कंट्रोल जो भी क्लास का नाम है वो आपको यहाँ पर आकर लिख देना है, और आपको जाहिर सी बात है इसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी, बूटस्ट्रैप को इंक्लूड वगैरह करना पड़ेगा। तो वो सब तो मुझे पता है कि आप लोगों को आ गया होगा अभी तक, वो सब आप लोग कर लेंगे। तो ये है एक तरीका क्लासेस अगर आपको लगाने हैं अपने फॉर्म में इसको बेहतर बनाने के लिए। तो अभी दूसरा तरीका देखिए, जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है, जब बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक मैं कमेंट कर देता हूँ इस पूरे को, नया क्रिएट हम लोग क्रिएट करेंगे, यानी कि नया क्रिएट व्यू हम लोग बनाएंगे, इसको नीचे कर देते हैं। ओके, हम लोग ये नया बनाएंगे, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी करके ये पेस्ट। एक दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसके थ्रू आप क्लासेस डाल सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें यहाँ पर मॉडल इक्वल स्टूडेंट ऐसे याद रखिएगा, ये हमारा क्रिएट भी हो। मैं दूसरा एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर वाला कमेंट ऊपर वाले का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से ये ना लिख कर हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म बनाएंगे मतलब मॉडल तो हमारा बना हुआ है पहले से, अब इस मॉडल का यूज़ करके हम लोग एक मॉडल फॉर्म बनाएंगे। मॉडल फॉर्म कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमें एक फ़ाइल चाहिए अपने एप्लीकेशन में। तो अपनी एप्लीकेशन में आइए, राइट क्लिक कीजिए न्यू, और यहाँ पर forms.py, जैसे हम लोग बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है। forms.py फाइल में आना है, उसके बाद पहले इम्पोर्ट कर लीजिए फ्रॉम Django, इम्पोर्ट
फॉर्म्स, ये इंपोर्ट कर लिया। फिर मॉडल फॉर्म बना रहे थे, मॉडल को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। मॉडल्स इंपोर्ट स्टूडेंट, इधर हम लोग मॉडल फॉर्म बना रहे हैं तो क्लास बनाना है स्टूडेंट फॉर्म, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा फॉर्म्स डॉट मॉडल, मॉडल फॉर्म ये हमने लिख दिया। फिर यहाँ क्लास मेटा, आप लोगों को याद होगा कि कैसे बनाते हैं मॉडल फॉर्म, मुझे उम्मीद है। मॉडल इक्वल कौन सा मॉडल यूज़ करेगा, ये फॉर्म स्टूडेंट को यूज़ करेगा, और मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। देन फील्ड्स कौन कौन सा यूज़ करेगा, आप लिस्ट में या टपल में दे सकते हैं, कर्ली में नहीं, लिस्ट में या टपल में, तो मैंने लिस्ट में दिया कि ये नेम फील्ड को और ईमेल को, यहाँ से ऑर्डर भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगी, बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा है। देन यहाँ से आप विजिट दे सकते हैं, एरर मैसेजेस दे सकते हैं, काफ़ी सारा काम आप यहाँ से कर सकते हैं जिससे कि हम लोग ऑलरेडी अवगत हैं। तो मैं विजिट अभी थोड़ी देर में करके दिखाऊंगा, पहले इतना देख लीजिए। मैंने इसको सेव किया, यार मॉडल फॉर्म बन गया। इस मॉडल फॉर्म का अब हम लोग यूज़ करेंगे व्यू में, अपने क्रिएट व्यू में। कैसे करेंगे, यहाँ आपको ये ना लिख कर, यहाँ पर आपको लिखना है फॉर्म क्लास, और फॉर्म क्लास में आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। मैं मॉडल फॉर्म वाला क्लास यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिख दूंगा स्टूडेंट फॉर्म, और स्टूडेंट फॉर्म को हमने इम्पोर्ट नहीं किया, इस वजह से हमें यहाँ मिल नहीं रहा है, तो यहाँ आना है। और फॉर्म्स की अब हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ पर, जब हम लोग ये वाला यूज़ कर रहे होंगे तब, तो जब आप ये यूज़ करते हैं तब आपको फॉर्म ही क्या आ सकता है, इसको इम्पोर्ट नहीं कर सकता, आपको नहीं पड़ेगी। बट चूंकि मैं दोनों एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ कमेंट में किया हुआ है और हमने यूज़ किया, तो मैं इसको रहने देता हूँ। तो हमें क्या करना है, फ्रॉम फॉर्म्स, फॉर्म्स इंपोर्ट करना है स्टूडेंट फॉर्म, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोग इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कोई हमें एरर देखने को नहीं मिलेगा। फिर हमें यहाँ पर टेम्पलेट नेम भी डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा टेम्पलेट नेम आप देना चाहते हैं, बिकॉज इसमें डिफ़ॉल्ट होता नहीं है। अभी अगर मैं इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसके लिए हमने URL पहले से लिखा हुआ है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, देखिए URL हमने स्टूडेंट क्रिएट व्यू के लिए लिखा हुआ है, क्रिएट। तो हमें जाना है, हमने फॉर्म बता दिया कि कौन सा फॉर्म आपको लेना है, ये वाला फॉर्म लेना है, मॉडल फॉर्म है ये वाला लेना है। इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद जब यहाँ पर अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें ये एरर देगा, ये कहेगा कि टेम्पलेट रिस्पॉन्स मिक्सन रिक्वायर ईदर आर डेफिनेशन ऑफ टेम्पलेट नेम, या तो आप इसमें दे दीजिए कोई टेम्पलेट, या फिर आप इम्प्लीमेंट कीजिए गेट टेम्पलेट नेम को। तो सिंपली हम लोग इसमें दे देंगे, ये डिफ़ॉल्ट नहीं लेता जब आप इस तरीके से यूज़ करते हैं फॉर्म क्लास का, तब जब आप इस तरीके से यूज़ करेंगे व्यू को क्रिएट करने के लिए क्रिएट व्यू का, तो फिर आपका ये डिफ़ॉल्ट ले लेगा, बट जब आप इस तरीके से यूज़ करेंगे तो नहीं लेगा, क्योंकि हमने फॉर्म व्यू में देखा है क्लियरली। तो यहाँ पर हमें लिख देना है क्या, जो हमारा क्रिएट है उसी को लिख देना है। तो मैंने क्या क्रिएट किया, स्टूडेंट अंडरस्कोर फॉर्म डॉट एच टी एम एल। अब अलग से क्या बनाऊँ मैं, और ना आप अलग से भी बना सकते हैं, अलग नाम लिखिए यहाँ पर और अलग टेम्पलेट यहाँ बनाकर लिखिए, बट मेरा पहले से क्रिएट है तो मैंने उसी को लिख दिया। अभी मैं इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरा काम करेगा सही तरीके से। अभी हमें देखना है, मेन हमारा काम है कि क्लास हमारा काम कर रहा है या नहीं। अभी अगर मैं इसको व्यू पेज रिसोर्स करूँ तो यहाँ पर कोई भी क्लास मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसका टाइप पासवर्ड का टाइप हमारा टेक्स्ट है, तो इनमें मुझे क्लासेस डालनी है और पासवर्ड का मुझे टाइप टेक्स्ट की जगह टाइप पासवर्ड बनाना है। तो कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आप सिंपली अपने फॉर्म मॉडल मॉडल फॉर्म में जाइए और यहाँ पर जो भी मैंने आपको बताया वो सारा आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उस सभी का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर चाहे हो लेबल देना हो, विजिट हो, एरर मैसेज हो, हेल्प टेक्स्ट हो, वो सब। तो विजिट्स इक्वल किसके लिए, मान लीजिए नेम के लिए, तो नेम लिखा मैंने, देन ये फॉर्म्स डॉट टेक्स्ट इनपुट बनेगा हमारा, और यहाँ पर हम लोग ATTRS यानी कि एट्रीब्यूट्स देंगे लिस्ट के तौर पर, और पहला हमारा होगा क्लास मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, और क्लास मेरा हो माई क्लास, तो ये मैंने दे दिया। बाकी आप और चाहें तो कॉमा देकर यहाँ पर प्लेस होल्डर वगैरह भी दे सकते हैं अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो। आपको अगर दूसरा देना हो तो आप यहाँ कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद दूसरे के लिए यानी कि पासवर्ड के लिए मैं करना चाहता हूँ, तो फिर मेरा वो पासवर्ड फील्ड के लिए, और उसके लिए फॉर्म्स डॉट वो होता है पासवर्ड इनपुट, पासवर्ड इनपुट लिखा, फिर उसके लिए ATTRS
और ये हमारा हो जाएगा। ये देना, ये TTRS देना जरूरी नहीं है, पासवर्ड इनपुट में ही इसको छोड़ सकते हैं। फिर सिंपली आपको टाइप पासवर्ड होकर दिखाई देगा, उसमें कोई क्लास वगैरह ऐड करना हो, कोई एट्रीब्यूट डालना हो, तभी आप इसका यूज़ करेंगे। ये तो हमने पढ़ा हुआ यार, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। तो क्लास मुझे ऐड करना है पासवर्ड वाले में भी, तो क्लास लिखा और मैंने माई पास नाम का एक क्लास दे दिया। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद वापस इसको रिफ्रेश कीजिए और अब आप जाइए यहाँ पर पेज सोर्स में। जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको दिखाई देगा। देखिए नेम में पहले इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम और यहाँ क्लास देखिए हमारा माई क्लास हमारा आ गया। उसी तरीके से पासवर्ड में टाइप अब पासवर्ड हो गया है और यहाँ क्लास भी माई पास आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आप अब आप पासवर्ड में टाइप करेंगे तो कैरेक्टर के बजाय डॉट डॉट देखने को मिलेगा, बिकॉज हमने उसका चेंज कर दिया है टाइप। ओके, तो ये है कि क्लासेस अगर आपको ऐड करनी हो तो कैसे करेंगे। दो तरीके मैंने आपको बताया, ये वाला बेहतर तरीका है मेरे ख्याल से। मॉडल फॉर्म बना लीजिए और यूज़ कीजिए अगर आपको कस्टमाइज़ करना है तो फॉर्म को, वरना अगर आपको नॉर्मल रखना है तो फिर तो क्लासेस वगैरह की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जो कि मैक्सिमम टाइम आपको एक्चुअली में कस्टमाइज़ करना पड़ता है, तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। एक डेटा सेव करके दिखा देता हूँ, वरना पता चलेगा कि इससे आपका काम नहीं कर रहा, तो आपको लग रहा है कि हमारा इसी वजह से काम नहीं कर रहा। तो सुमित तक हमने डेटा इंसर्ट किया हुआ है, अभी मैं एक नया डेटा इंसर्ट करता हूँ। नया डेटा इंसर्ट करते हैं, मान लीजिए अली, और ईमेल लिखते हैं ali@gmail.com और अली का पासवर्ड लिखते हैं अली पास, और मैंने सबमिट में क्लिक किया। ओके, हमारा यहाँ पर बोला कि URL नॉट रिडायरेक्ट गेट एब्सोल्यूट URL, तो मैं गेट एब्सोल्यूट URL हमने यहाँ डिफाइन नहीं किया है, उसके लिए हमें ये एरर मिल रहा है। बाकी हमारा सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है, बट हमें यहाँ पर सक्सेस URL लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आते हैं और सक्सेस URL लिख देते हैं। सक्सेस URL इक्वल हमारा ये हो जाएगा, क्या क्या है ऊपर में हमारा सक्सेस URL, लिखे थैंक्स, तो यहाँ पर आपको लिख देना है थैंक्स। और मैंने इसको सेव किया, डेटा तो हमारा सेव हो गया होगा। आप लोगों को पता होगा कि डेटा सेव होने के बाद हमारा रीडायरेक्ट में ये हमारा एरर आता है। तो डेटा हमारा अली का डेटा यहाँ पर आप देखेंगे तो सेव हो गया। फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ, एक और नाम रखते हैं आतिफ, और हमने ईमेल लिख दिया atif@gmail.com और आतिफ पास, और अभी सबमिट में क्लिक करेंगे तो ये हमारा रिडायरेक्ट भी हो जाएगा। योर फॉर्म हैज़ सबमिटेड सक्सेसफुली, और यहाँ आतिफ का डेटा भी इंसर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्म भी हमारा सही तरीके से काम कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि क्लासेस ऐड करनी हो तब जाकर आपको ये वाला मेथड लिखना है, तब जाकर आपको इस तरीके से क्रिएट व्यू बनाना, मतलब दोनों में से कोई एक जो भी आपको ठीक लगे। यहाँ अगर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, गंदा सा दिख रहा है, तो अच्छा तरीका ये है कि आप ये वाला यूज़ कीजिए और मॉडल फॉर्म को सेपरेट कर लीजिए। इससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि आप इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से परिचित हैं, तो आप यहाँ ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। ओके जी, तो ये था क्रिएट व्यू का पूरा काम। उम्मीद करता हूँ कि आप इसका सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।